चिरकाल से ही लोग कहीं ना कहीं किसी दिशा में आंदोलनात्मक कदम उठाते रहे हैं। वैसी स्थिति में बीरबल झा भी एक सामाजिक आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, एक ऐसा आंदोलन जिससे कम से कम उत्तर भारत कहीं ना कहीं अछूता था, एक ऐसी पहल जिस पहल से लाखों छात्रों का कल्याण हुआ, लाखों छात्रों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया। बीरबल झा विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए जब आगे बढ़े तो बीरबल झा ने अपने रास्ते को अलग चुना। जिस समय चुना होगा निश्चित तौर पे समाज ने उसको सामाजिक मान्यता नहीं दी होगी। एक हिंदी भाषी प्रदेश में अंग्रेजी सिखाना, अंग्रेजी पढ़ाना यह बड़ा अजीब सा वाक्य था, लेकिन बीरबल झा जी ने उसे एक कौशल के रूप में लिया और उस कौशल के रूप में जिस तरह से पहल की, हम तो अपने कॉलेज जीवन से ही देखते रहे कि बीरबल झा जी के यहाँ लोग लड़के आते जाते रहे और शिक्षा को इन्होंने कहीं व्यवसाय नहीं बनाया था। इनकी पहल समाज में अपने आप को अपग्रेड करने का पहल था। ये पहल एक ऐसा पहल था जिस पहल में बीरबल झा जी ने एक दिशा दी, वैसे छात्रों को दिशा दी जिन छात्रों की ज़रूरत थी, जिन छात्रों को लगता था कि कम से कम एक मिनिमम आधार पे या मिनिमम सीमा पे वो सही हो, वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें। तो वैसी स्थिति में बीरबल झा जी का एक सार्थक योगदान रहा है, ऐसे योगदान को हम भूल नहीं सकते। बीरबल झा का अर्थ है 24/7। बीरबल झा से जी से मैंने कहा कि मेरे पास कोई समय नहीं है दिन में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी सीखना चाहिए। तो वैसी स्थिति में बीरबल झा जी ने मुझे कहा कि आप जब समय निकालें। मैंने कहा 4 बजे सुबह, उन्होंने कहा 4 बजे सुबह। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे भूल सकते हैं। जब मैंने पूछा तो मैं तो इतना ही मानता हूँ कि बीरबल झा इज इक्वल टू 24/7। तो 24/7 काम करने वाला व्यक्ति यदि प्रशंसनीय नहीं है तो प्रशंसा की परिभाषा क्या होगी। इसलिए मैं प्रशंसा करता हूँ बीरबल झा का।